एनसीईआरटी बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 7 चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी की क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके सो चिल्ड्रंस, इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड सम अदर क्वेश्चंस आल्सो। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पॉर्टेंट। अब हमारी डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, उनके रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे बताएंगे। वो इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है ना, इस वजह से एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है, एवरी एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, सेक्स, द रिच और पुअर बैकग्राउंड इज अलाउड टू वोट। यानी किसी भी एडल्ट को जो कि 18 से ऊपर होगा, है ना, 18 या 18 से ऊपर होगा एज में, उसको बिना उसकी धर्म, जाति, लिंग, है ना, वो अमीर है या गरीब, उसके बैकग्राउंड को ध्यान में ना रखकर उसको वोट डालने का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। और जो ये फ्रेंचाइजी है वो इक्वालिटी पे बेस है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल। और हमारे लोकतंत्र में हर एक नागरिक बराबर है, ठीक है। अगला है, री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। अब हमें यहाँ पर बताना है कि आर्टिकल 15 में किस तरह से इनइक्वालिटी को एड्रेस किया गया है। जैसे कि इट स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स कैन गो टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एसेट्रा। नो वन कैन स्टॉप टू एंटर दीज बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। यानी हमारे जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे कि दुकानें हो गई, है ना, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, और भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर, उनको कोई भी जाने से नहीं रोक सकता उनकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म लेने के स्थान के आधार पर, ठीक है। इट मेंशंस दैट एनी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड कैन यूज टैंक, वेल्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एसेट्रा, मेंटेन होली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। अब जितने भी जनरल पब्लिक है वो हमें आर्टिकल 15 ये बताता है कि वो जो टैंक्स हैं, यानी तालाब है, कुएं हैं, नहाने के जो घाट है, वो सड़कें और भी चीज़ें जो हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई उन्हें इस्तेमाल करने से उनको नहीं रोक सकता, सिर्फ उनके बैकग्राउंड के आधार पर, ठीक है, वो ऊंची जाती हैं, नीची जाती हैं, कैसे कैसे नहीं है, उसके आधार पर उन्हें वो नहीं रोक सकते। नेक्स्ट इज, इन व्हाट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि इज एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो अनुभव किया था भेदभाव को लेकर, वो अंसारी से कैसे सिमिलर है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि दोनों को जाति और धर्म के आधार पर ही, है ना, इस इनइक्वालिटी की वजह से ही उनको ये फेस करना पड़ा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। उन दोनों को समान अवसर नहीं मिले थे, बिकॉज क्योंकि दे बिलोंग टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो दूसरे धर्म और जाति से बिलोंग करते थे, इसी वजह से उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। अब ये जो टर्म है, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून की नजर में सब बराबर है, इससे आप क्या समझते हो और ये लोकतंत्र में जरूरी क्यों है। पहले तो इस टर्म से हम क्या समझते हैं, वी अंडरस्टैंड इक्वालिटी, इससे हम समानता को समझते हैं, राइट। इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इफ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एसेट्रा,
द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव, अगर लोगों के साथ उनकी धर्म, जाति, लिंग, इन सब के बेसिस पे अगर भेदभाव किया जाएगा तो हमारी जो लोकतंत्र है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो एवरी पर्सन हैज द सेम राइट, हर इंसान का, हर नागरिक का समान अधिकार है टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एज अदर्स, कि उनको दूसरों की तरह सम्मान मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। अब बच्चों, जैसे कि आपने इस लेसन में पढ़ा कि सरकार द्वारा कई तरह के ऐसे कानून बनाए गए हैं जो लोगों की सुख सुविधा के लिए हैं, ठीक है, उसमें से एक है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी उन लोगों का अधिकार जो शारीरिक रूप से विकलांग है ना, उनमें कुछ ना कुछ जो डिसेबिलिटीज है। 2016, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। अब इस मामले में 2016 में सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि इन लोगों को, जो मतलब विकलांग है, जो डिसेबल है, उनको उनके पूरे पूरे अधिकार मिले, ठीक है, सोसाइटी में। द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, ऐसे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई, एंड इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स, ठीक है। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग बिल्डिंग, स्कूल्स एक्सेट्रा शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प। अब दिस लॉ ऑल्सो स्टेट, ये जो लॉ बनाया गया इसमें इस चीज को भी ध्यान में रखा गया कि जो बच्चे चल नहीं पाते हैं उनको, चाहे पब्लिक प्लेसेस में, चाहे बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, वहां पर उनको रैम्प्स बनाए जाएं, मतलब जहां पर जो व्हील चेयर हो इजीली चल सके, है ना, जैसे प्लेन फर्श होते हैं ना बच्चों, उसे रैम्प्स कहते हैं। नाउ लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर्स। अब इस फोटो में बच्चों आप देखो, ये जो लड़का है व्हील चेयर पे है ना, उसको स्टेयर से, सीढ़ियों से उतारा जा रहा है, ठीक है। डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस? क्या आपको लगता है कि जो ये केस है, जिस तरीके से इस बच्चे को उतारा जा रहा है और ऊपर जो कानून बताया गया है उसमें ऐसा होना सही है? वट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल फॉर हिम? और किस चीज की जरूरत है इस बच्चे को उस बिल्डिंग में बनवाने की, है ना? हाउ वुड हिज बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी? और क्या जिस तरीके से इस बच्चे को ले जाया जा रहा है, क्या वो उसकी सेफ्टी के लिए सही है और उसकी डिग्निटी के लिए या नहीं, वो हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, एक तो इस बच्चे को व्हील चेयर पे लेके जाया जा रहा है ना, सबसे पहले हमें क्या आंसर करना है कि जो लॉ बनाया गया है कि उसके अकॉर्डिंग ये इम्प्लीमेंट है? तो हम लिखेंगे नो, द लॉ इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस, मतलब सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है ना। तो हम लिखेंगे द लॉ इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस। टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल टू हिम व्हील चेयर रैम्प शुड बी कंस्ट्रक्ट, यानी इस बिल्डिंग में, इस मतलब जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, व्हील चेयर पर हैं, उनके लिए बिल्डिंग्स में रैंप कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, यानी ऐसे फर्श जो हैं उन बच्चों के लिए बनाने चाहिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो प्ले जगह है, यहाँ पे ये प्लेन और यहाँ पे ये ढलान जैसे, है ना, ये इन्हीं बच्चों के लिए सरकार द्वारा ऐसे, मतलब उनको आदेश दिए गए हैं कि वो पब्लिक प्लेसेस पे इनके लिए इस तरीके से जो जगह है वो कंस्ट्रक्ट करें, इसी तरीके से वो जो रैंप है वो बनाए, ताकि वो आराम से इस पे, यहाँ ऊपर से उतर के नीचे आ सके, ठीक है। उन इन सीढ़ियों पे आना उनके लिए, और किसी और को मदद करना उसकी जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप आ सकते हैं। बींग कैरी डाउन द स्टेयर्स इज अनसेफ। अब इस तरीके से सीढ़ियों पे से उतारना बच्चे को, वो क्या है, अनसेफ है ना, बिकॉज क्योंकि ही माइट स्लिप एंड फॉल फ्रॉम हिज व्हील चेयर, क्योंकि अब इन गार्ड्स ने व्हील चेयर को ही पकड़ा हुआ है और बच्चे ने किसको पकड़ा हुआ है, व्हील चेयर को। अब व्हील चेयर से उतारते वक्त अगर वो डिसबैलेंस हो गए,
तो बच्चे गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी, है ना, तो ये अनसेफ है। एट द सेम टाइम इट इंजर्स हिज डिग्निटी बिकॉज ही हैज टू रिलाई ऑन अदर्स, देयर बाय मेकिंग हिम कॉन्शियस ऑफ हिज डिसेबिलिटी। अब साथ ही साथ अनसेफ होने के साथ साथ बच्चों अब उसको सबके सामने इस तरीके से ले जाया जा रहा है, तो बच्चा थोड़ा फील करता है ना कि मतलब उसका उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है ना, उसकी डिग्निटी को, कि उसे इस तरीके से सबके सामने ले जाया जा रहा है और वो अपने मतलब अपने आप कैपेबल नहीं है खुद को हैंडल करने के लिए। तो इसी तरीके से इन लोगों को, ऐसे डिसेबल लोगों को क्या करना चाहिए, खुद के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। ये इसी वजह से सरकार ने इस तरीके के रैंप्स बनवाने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर भी ये हमसे जो पूछा गया है कि किस चीज की जरूरत है, तो हम कहेंगे रैंप कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। पहला है, व्हाट इज झूठन अबाउट। आपने झूठन का कवर देखा था बुक में, है ना, तो आपको बताना है यहाँ पे वो किसके बारे में था। एक ग्रोइंग अप दलित बॉय के उस पे था, ठीक है, उसके अनुभव के बारे में है झूठन में। इट इज अबाउट द बिटर एक्सपीरियंसेस, कड़वे अनुभवों के बारे में है एक दलित बच्चे के, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट सजेशन वाज गिवन टू अंसारीज बाय द प्रॉपर्टी डीलर। जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने क्या सुझाव दिया था अंसारीज को, अपना नाम बदलने का, है ना, कि वो अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख ले। देवर सजेस्टेड टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट बेसिस वर द अंसारीज ट्रीटेड अनइक्वली। अब हमें बताना है कि किसके बेसिस पे उनके साथ भेदभाव किया गया था, उनके धर्म के आधार पे, है ना। द अंसारीज वर ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, क्योंकि उनका धर्म अलग था, इस वजह से लैंडलेडी ने उनको मकान नहीं दिया था। नेक्स्ट है, हु हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील अंडर मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम में किसको खाना बनाने के लिए, किस मतलब वुमेन को, किस जाति की वुमेन को एक तरीके से अप्रोच किया गया है, दलित वुमेन को, है ना। ये शुरुआत की गई कि दलित वुमेन वो खाना पकाएगी और सभी बच्चों से एक जगह बैठ करके खाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ डिड बी आर अम्बेडकर व्यू सेल्फ रिस्पेक्ट। अब बी आर अम्बेडकर ने कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट को, मतलब अपने आत्मसम्मान को कैसे देखा है। बी आर अम्बेडकर व्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट एज द मोस्ट वाइटल फैक्टर। उन्होंने कहा था कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी, वो हमारी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है, बहुत जरूरी है, विदाउट विच मैन वॉज सिफर, क्योंकि उसके बिना हर आदमी, हर इंसान क्या है, शून्य है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रियर टू 1950। अब इसमें आप क्या लिखोगे कि 1950s में, मतलब जब 1950 के बाद भी अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन यूएसए एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। 1950 में जब आंदोलन हुआ था, उसके बावजूद भी लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, वो बिल्कुल ही उनके साथ अनइक्वली बिहेवियर किया जाता था, और यहाँ तक कि उनका जो मतलब अमेरिकन का जो लॉ था, वो उन्हें समान मानने को तैयार नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट का क्या मतलब है। द मूवमेंट टुक प्लेस इन यूएसए इन लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। अब 1950 के अंतिम दशक में यूएसए में ये आया था, जो आंदोलन था ये सिविल राइट का, वो आया था, राइट। और इसमें क्या था कि सभी अफ्रीकन अमेरिकन को एक समान माना जाएगा, है ना, इक्वल माना जाएगा। दिस मूवमेंट लेटर केम टू बी नोन एज, और बाद में इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट क्या है, इक्वालिटी, ठीक है, समानता। लोकतंत्र का क्या है, मेन एस्पेक्ट है इक्वालिटी। इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ
इट्स फंक्शनिंग, और उसकी कार्य प्रणाली में ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय डिग्निटी। अब डिग्निटी से आप क्या समझते हो? डिग्निटी मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एज वर्थी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज विच वन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब हमारे देश में, इंडिया में, असमानता का सबसे कॉमन फॉर्म क्या है, सबसे कॉमन फैक्टर क्या है उसका? कास्ट सिस्टम, जो बहुत ही आम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म दलित। दलित से आप क्या समझते हो? द टर्म दलित यूज्ड फॉर द सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल। दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब क्या है? टूटा हुआ, राइट। और जो नीची जाति के लोग हैं वो खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, खुद को बताने के लिए, ठीक है, इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द गवर्नमेंट एंड पीपल, राइट। ये आपको समझाया गया था आपके लेसन में। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम। अब पहला राज्य कौन सा था जिसने मिड डे मील की शुरुआत की थी? तमिलनाडु ने, राइट। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी विल कंप्लीट द लेसन। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।